जनपद में जो भी परियोजनाओं के निर्माण कार्य चल रहा है उसको समय और गुणवत्तापूर्वक ढंग से पूर्ण किया जाए। परियोजनाओं का समय से पूर्ण ना होने पर एस्टीमेट को रिवाइज करना पड़ता है, जिससे राजकोष का प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो भी निर्माण कार्य आरंभ होने के साथ उसके पूर्ण होने की तिथि भी निर्धारित हो, निविदा ई टेंडर के माध्यम से हो और तकनीकी विड तथा फाइनेंशियल विड को एक साथ मंगाया जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान दिए। उन्होंने प्राणी उद्यान के निर्माण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी कर प्रथम एवं द्वितीय दोनों चरणों के कार्य को जून तक पूरा कराएं। प्रेक्षागृह के निर्माण की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि प्रेक्षागृह का निर्माण 15 नवम्बर 2019 तक पूर्ण कराएं, जिससे कि रंग कर्मियों तथा उनसे जुड़े लोगों को अपनी शैक्षिक और अन्य गतिविधियों को प्रस्तुत करने के लिए स्थान मिल जाए। मुख्यमंत्री ने कमिश्नर को निर्देश दिया कि वो मंडल के चल रही योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करें तथा योजनाओं की प्रगति के समय समय पर जनप्रतिनिधियों को अवगत भी कराएं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि शासन प्रशासन से मिल कर कार्य करें और योजनाओं को समय से पूरा कराने में मदद करें। मुख्यमंत्री ने रामगढ़ताल के डिस्टिलिंग की योजना बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि रामगढ़ताल तथा राप्ती नदी में नालों का गंदा पानी भी ना जाए, इसके लिए भी कार्य करें। मुख्यमंत्री ने जनपद में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कार्य करना होगा। उन्होंने रामगढ़ताल के आसपास साफ सफाई के निर्देश देते हुए कहा कि हर वार्ड के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए जाएं। उन्होंने शहर में कूड़ा कलेक्शन ना करने का निर्देश दिया और कहा कि शहर के बाहर गड्ढा बनाकर कूड़ा एकत्र करें तथा इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि वो नदी आदि के किनारे पर ना हो। उन्होंने शहर में जगह जगह जाम की समस्या को चिन्हित करते हुए कहा कि ये व्यवस्था किया जाए कि लोगों के वाहन सड़कों पर ना खड़े हों तथा शहर में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण और अन्य पार्किंग के स्थान चिन्हित कर लोगों के वाहन पार्किंग स्थल में खड़ा कराएं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि असुरन से बनने वाली सड़क से अंडरग्राउंड केबलिंग का काम भी करें। उन्होंने कहा कि विकास के ठोस परिणाम सामने आए इसके लिए सभी लोग मिलकर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने शहर में बारिश में होने वाले जल जमाव के निजात के लिए कार्य योजना बनना का भी निर्देश दिया। उन्होंने प्लास्टिक थर्माकोल आदि के रोकथाम के लिए फिर से अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन आदि की भी कराने को कहा। उन्होंने कान्हा उपवन निर्माण को 2 माह में पूर्ण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने शहर के आवारा पशुओं और कुत्तों आदि को पकड़ने का निर्देश देते हुए कहा कि जिला पंचायत के काजी हाउसों को पुनः संचालित कराया जाए। उन्होंने विधायक विपिन सिंह को कहा कि कान्हा उपवन के निर्माण में गुणवत्ता की कमी की शिकायत पर जिलाधिकारी को जाँच कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, सभी कार्यदायी संस्था इसका विशेष ध्यान रखें। जल्द ही उनके द्वारा निर्माण कार्यों का स्थलीय सत्यापन भी किया जाएगा, इसकी गुणवत्ता में कमी मिलेगी तो सख्त कार्रवाई किया जाएगा। उन्होंने कस्बा संग्रामपुर में लोगों के मांग के दृष्टिगत बाईपास के निर्माण की योजना बनाने को भी कहा। मुख्यमंत्री जी ने सड़कों पर पार्किंग स्थल बनाकर पैसा लेने को रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पार्किंग स्थल बनाकर वहां पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर ही पैसा लिया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रैन बसेरा अलाव आदि का नियमित रूप से जांच करते रहें तथा हर जगह अलाव नियमित रूप से जलता रहे। कोई व्यक्ति खुले में फुटपाथ पर ना सोए। किसी भी व्यक्ति की ठंड से मृत्यु न होने पाए, शासन द्वारा अलाव एवं रैन बसेरा के लिए धन भी मुहैया कराया जा रहा है। बैठक में महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल, एडीजी दावा शेरपा, मंडलयुक्त अमित कुमार गुप्ता, आईजी जय नारायण सिंह, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने जिले में संचालित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की तथा कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक समय से पूरा करने के निर्देश दिए। को एक साथ मई तक क्या करूं? अब तक इतना स्लो क्यों है आपका कार्य? बस उसके तरह उसके जो डिवाइस भी किया थी उसकी अक्टूबर के साथ शासनादेश हुआ और 3 अक्टूबर के बाद फिर उसको हम लगे काम करेंगे। अभी आपको इसमें अर्थ वर्क काफी करना है सर, उसको उसका मैं कार्य फलों के साथ पूरा करना है। कब तक आप इस सारे कार्य को कंप्लीट कर जाए? जितने बाड़े हैं सब मेरे पूरे हो गए। और कब यहाँ पे जानवर